निर्वाणा फाउंडेशन संस्था जो लगभग पिछले 7 वर्षों से अनाथ, गरीब, बेसहारा, लावारिस, प्रताड़ित, मानसिक कमजोर, दिव्यांग जन बच्चों, महिलाओं एवं वृद्धजनों के लिए जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में बिना किसी शासकीय अनुदान के आश्रय गृह का सफल संचालन कर रहा है, जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों की लावारिस एवं मानसिक कमजोर महिलाओं को रखा जाता है। पिछले लगभग 7 वर्षों से निर्वाणा फाउंडेशन संस्था द्वारा 200 से भी अधिक मानसिक कमजोर, लावारिस, अनाथ महिलाओं, वृद्धजनों एवं बच्चों को संस्था में रखकर उनके सेवा एवं इलाज के द्वारा ठीक करके उनके घर परिवार को खोजकर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। इसी तारतम्य में निर्वाणा फाउंडेशन संस्था द्वारा हर महीने दूर दराज के पिछड़े हुए गाँव, देहात एवं अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में सोमवार को शासकीय प्राथमिक शाला कालापानी जन शिक्षा केंद्र पलौठा छतरपुर मध्य प्रदेश में शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर लगभग 100 से अधिक बच्चों ने इस शिक्षण शिविर का लाभ लिया। शिविर के दौरान विद्यालय की प्रधान अध्यापक श्रीमती गौरीबाई, शिक्षक राजेंद्र कुमार त्रिपाठी, सरपंच ममता राय और बच्चों के माता पिता सभी मौजूद रहे। निर्माणा फाउंडेशन संस्था के ट्रस्टी लोकपाल सिंह परमार के द्वारा संस्था की गतिविधियों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। संस्था के संस्थापक संजय सिंह के द्वारा सभी बच्चों एवं उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वो सब चीजें जानती है। हमारी संस्था में सब बच्चियों के लिए उनको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उनको स्कूल भेजा जाता है। कुछ बच्चियां हमारी संस्था की महर्षि स्कूल में जाती हैं, कुछ बच्चियां हमारी बेसिक मॉडल स्कूल में जाती हैं और कुछ बच्चियां हमारी अरे बाबा शाबाश शाबाश खुलाओ। आज हमारे ये शासकीय प्राथमिक शाला काला पानी जो कि जन शिक्षा केंद्र संकुल पनौठा के अंतर्गत आता है, पुगनताल बब्बर जी के निकट हमारा संस्था है, यहाँ पर आज हमें बड़े खुशी की बात है। हमारे परम आदरणीय भाई साहब श्री लोकपाल सिंह जी के आतिथ्य में ये निर्वाणा फाउंडेशन के कुंवर साहब श्री संजय सिंह जी एवं बेटी अपराजिता जी द्वारा हमारे विद्यालय में जीवन की शुरुआत कैसे करते हैं इस पर विभिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न तरीकों से उदाहरण दे करके हमें ऐसे परिवारों को उठा करके आगे बढ़ाना है, ले जाना है, इस पर उन्होंने चर्चा की। और हमारे गांव के मुख्य सरपंच महोदय जी श्री भूपेंद्र सिंह राजा रहे और गांव के गणमान्य नागरिक रहे और सभी बच्चों के अभिभावक यहाँ पर आए, सभी ने अपनी विधिवत सहभागिता दी और कार्यक्रम के पश्चात निर्वाणा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी द्वारा हमारे बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कार जो कि शिक्षण सामग्री से संबंधित है उनको दे करके उनका उत्साहवर्धन किया गया। और हम इन निर्वाणा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं अपने भाई साहब जी से कि हमेशा ऐसे ही हमारे विद्यालय में आकर के बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें। हम आपके सदा आभारी हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।